कुलानाखंड के गांव बिठमड़ा में सरपंच बलबीर के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर रविवार 7 जुलाई को उपचुनाव करवाया गया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार आयुब खान के दिशा निर्देश में गांव के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में सुबह 8 बजे शुरू हुए वोटिंग में 7,279 मतदाताओं में से 5,089 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। रिटर्निंग एवं प्रोसेसिंग अधिकारी रविकांत ने बताया कि उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में थे, इसमें से बीरेंद्र को 2308, शमशेर को 2245, विजेंद्र को 167 व सतीश को 2799 वोट मिले। वहीं 18 मतदाताओं ने वोटों का प्रयोग किया, जिसके आधार पर बीरेंद्र ने शमशेर धतरवाल को 63 वोटों से हराकर गांव के सरपंच पद पर कब्जा जमाया। मैं उपचुनाव बहुत बढ़िया और शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, इसमें जनता का लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, सभी ने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और वोटिंग भी बड़ी स्पीडली चली, काफ़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए और 7,289 टोटल वोट थे, जिनमें से 5,089 वोट जो है ना वो पोल हुए हैं। लगभग 73.8% वोट पोल हुए हैं, जिनमें से 63 वोटों से वीरेंद्र की जीत हुई। चुनाव के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ग्रामीण अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लग गए। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा और DSP संजय शर्मा, दयाराम व कुलदीप, थाना प्रभारी हवा सिंह सहित दर्जनों महिला और पुलिस बल तैनात रहा। सारा गांव का पूरा सहयोग मिला है और सभी शक्ति बिरादरी का पूरा सहयोग मिला है तो और गांव में शांति बनाए रखने के लिए मैं अपील करता हूं। तो आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जनता को। इस दौरान मौके पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खजान चंद, नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन पटवारी, भजन लाल सहित अनेक अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कंचन TV के लिए उकलाना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।